But some things stay, no matter where you go. Do you still love me, lies, babe? Please tell me yes or no. When the world turns ugly, we turn inside. Try to find a good thing. To je za mne uliš valo ne Ameriku, ja he. जी सर ते मिनी स्विट्जरलैंड दिखा के लाते हैं इधर की मेरी इसमें गिर गई गला बहुत खराब हो गया यार चला भी नहीं जा रहा है थोड़ा काम तो शूट नहीं करने वाले चिन टाइम से ही ऐसे पत्थरों पे टिका हुआ है ये राजस्थान से ये जोधपुर से है सूख गया है बहुत पेन हो रहा है यार आज ऑलमोस्ट एक एक करके सारी चीजें चेक करवा दी है अकेला बंदा इतनी दूर कर रहा है वो भी अकेले और वो भी कश्मीर तो यहाँ पे बेताब मूवी की शूटिंग हुई थी तब से इसको बेताब वैली बोला जाता है इतनी खराब तबीयत में दवाई ले लेके भी आपको इतनी अच्छी चीजें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ अमरनाथ यात्रा होती है ना तो यहाँ कितना खूबसूरत है यार कश्मीर ये रही अपनी थार मॉर्निंग गाइस थोड़ा गला खराब ज्यादा हो गया है होपफुली थोड़ी देर तक खुल जाएगा और इधर ठंडी बहुत ज्यादा फील होती है यार इधर ठंडी पूरी रात इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट में सोया हूँ मैं जहाँ तक वो लगता है ना मेरे को अभी यार कैंपिंग पॉसिबल नहीं है ये रही अपनी थार यहाँ अपना स्टे था बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी है ये और पूरा फोगी फोगी है पिछक साइड वो पेड़ देखा आपको दिखाई भी नहीं देंगे पूरा फोगी फोगी हो रहा है वेदर कल यहाँ जो ओनर था ना वो मिले थे मुझसे बहुत बातें हुई हमारी एंड उन्होंने बताया कि इधर स्नोफॉल बहुत होता है भाई गला तो कुछ ज्यादा खराब हो गया है सुबह सुबह पहले सबसे पहले गाड़ी स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग आराम से स्टार्ट हो गई कोई दिक्कत नहीं है सारा सामान पैक भी कर दिया है कुछ देर इसको स्टार्ट रखते हैं और इसके बाद यहाँ से निकलेंगे कल इस रोड पे था ये स्टे अपना यहाँ फॉग आता है यार तगड़े वाला एक्सट्रीम और रोड देखो कितनी ब्यूटीफुल है भाई सुपर ब्यूटीफुल खूबसूरत लग रहा है कश्मीर मतलब हम एंट्री ले रहे हैं और अभी हम पहलगाम की तरफ जा रहे हैं तो और भी ज्यादा हमें ब्यूटी देखने को मिलेगी काफी खूबसूरत लग रहा है एरिया मैंने कभी सपोज नहीं किया था कि मैं कश्मीर आके अपना गला खराब करके बैठ जाऊंगा जो इन्होंने ये पहना ना इसको पता नहीं क्या बोलते हैं ये तो भाई सुपर सही चीज है यार ये पहन लो खुला ढीला डाला सा ना लगे इसमें ठंड ना कोई और बाकी ये कश्मीरी पहना हुआ है भाई पश्मीना शॉल है कश्मीर का पश्मीना वो कल लोकल ने बताया था यहाँ पे कि कितना टफ बनता है वो तो पहलगाम में मिलेगा या मिलेगा वो एक श्रीनगर में और एक जगह और बताई तीन जगह ही मिलता है वो पश्मीना प्योर पश्मीना जो कहते बहुत ही कॉस्टली हो जाता है वो अपनी थार को देख के लोगों के जो आ रहे हैं ना सामने से इम्प्रेशन जो अपने को मिल रहे हैं भाई सुपर बढ़िया लोग स्माइल कर रहे हैं गाड़ी देख के कह रहे हैं बढ़िया है मतलब बहुत अच्छा लगता है यार ये इतना फ्रेज मिलता है ना जब आपको ऐसी जगह से तो ये सामने पुलिस वालों ने हमें रुकवाया है जी सर नमस्कार कहाँ से सर मैं राजस्थान पंजाब पाकिस्तान तीनों का बॉर्डर लगता है हाँ जी अच्छा बॉर्डर से जी 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 अकेले आए हो हाँ मैं 100 दिन भारत यात्रा कर रहा हूँ अभी के पहलगाम अब पहलगाम है बाद में सुना है पहलगाम बड़ा सुंदर है बाकी मेरे को तो ये जगह जन्नत ही लग रही है सर मैं तो धीरे धीरे देखता देखता अच्छे से जा रहे हैं और साथ में लाना था किसी को कंपनी देने कंपनी देने के लिए पहले स्पीति तक और लद्दाख तक साथ थे लोग अच्छा अच्छा अब फिर मैंने कश्मीर की तरफ मोड़ दिया इधर कोई बना नहीं साथ फिर मैं कोई नहीं अकेले कर लेगा अपना देश है क्या कर डर है बिल्कुल भी जा सकते हैं जी 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 बाकी सर बहुत बढ़िया बहुत कहाँ से हो मैं श्री गंगानगर से हूँ जो कि इंदुमलकोट बॉर्डर सुना होगा आपने वहाँ से और बाकी ठीक है पी के जाओ नहीं सर चाय तो पीछे बड़ा प्यार मिला जहाँ रात रुका था कहाँ पे रुके थे रात में रुका था ये कोई कयाम करके कोई जगह थी क्या कयाम हाँ हाँ वो बड़े बढ़िया बंदे थे रात को बड़ा साथ ही डिनर किया था सबने बहुत बढ़िया लगा यहाँ का एक्सपीरियंस और बाकी बाकी सर सब ठीक है ठीक है सर थैंक यू जी सर क्या हाल है बढ़िया जी बढ़िया अपने दसो रहने तो गंगानगर तो हाँ श्री गंगानगर
राजस्थान ठीक है, थैंक यू। बस थोड़ा सा चेक ही करते हैं एक बार, नॉर्मली पूछ लेते हैं कहाँ से हो क्या है। अपने से तो इतनी वार्तालाप हो रही है सबकी। ये देखो झेलम नदी अपने को देखने को मिली है, बहुत ही खूबसूरत है भाई झेलम, जो कि हम पहलगाम की तरफ जा रहे हैं तो ये नजारा देखने को मिला है। लुक एट द ब्यूटी ऑफ झेलम, बहुत ही सुंदर है यार, मतलब सच एन अमेजिंग प्लेस। ऐसी जगह देख के बस एक ही बात आ रही है जहन में, जन्नत, हेवन। क्या खूबसूरत लग रही है यार झेलम, क्या खूबसूरत लग रही है। कितना खूबसूरत है यार कश्मीर, कहीं कैसे पेड़ आ जाते हैं, अभी इस तरीके के पेड़ आ गए हैं यार। इतनी ब्यूटी चेंज हो रही है ना इधर की, कसम से समझ नहीं आ रहा है कि इस जगह को क्या बनाया है यार गॉड ने, कितना खूबसूरत बनाया है, बड़ा ही खूबसूरत भाई। एक तरफ चल रही है झेलम रिवर और एक तरफ इस तरीके के व्यू, और इतनी खूबसूरत सी रोड, इतने सुंदर नजारे, हम तो यहाँ के कायल हो गए भाई। हमसे जस्ट पहले देखो रिवर का कितना खूबसूरत व्यू हो जाता है। तो अभी पहलगाम के लिए शायद ग्रीन टैक्स की पर्ची लगेगी। जी सर कितने की है? 50 रुपए। ओके, कश्मीर तक आने में इसने कम से कम 12,000-15,000 का तेल जला दिया है हमने ऋषिकेश से यहाँ तक का। अमरनाथ यात्रा होती है ना तो यहाँ पे चेकिंग पॉइंट है, और यात्री इसको देखो यहाँ कैंप लगा हुआ है, बेस कैंप, और मतलब यहाँ से होते हुए ही अमरनाथ यात्रा आगे को जाती है। आएंगे अमरनाथ यात्रा पे भी हम, आएंगे बहुत जल्दी आएंगे। और अभी इतने ब्यूटीफुल नजारों से होते हुए एक बार चलते हैं आगे, और आगे चल के एक भगवान भोलेनाथ का मंदिर भी है, जरूर चल के आएंगे। अभी हम पहलगाम के अंदर एंट्री करने ही वाले हैं जस्ट, और बराबर से ये रिवर जा रही है पीछे की साइड में, आप देख सकते हो झेलम भाई, बहुत ही खूबसूरत एरिया, बहुत ही खूबसूरत है, लुक एट द ब्यूटी। यात्रा यहीं से होके जाती है, इधर पीछे की साइड में कैंप बना हुआ है झेलम नदी के किनारे पहलगाम में। इधर ऊपर की तरफ आप खच्चर राइड करवाते हैं और कहते हैं मिनी स्विट्जरलैंड दिखा के लाते हैं इधर, तो ऐसा कुछ सीन रहता है भाई इधर। और पहलगाम में हमारी हो गई एंट्री। एवरीबॉडी दिस इज पहलगाम, वेरी ब्यूटीफुल सिटी, वेरी ब्यूटीफुल टाउन। नाउ यू कैन सी हेयर इज द मार्केट ऑफ पहलगाम। रोक के चलते हैं पहलगाम की ब्यूटी को दिखाने के लिए। की मेरी इसमें गिर गई लेकिन अभी भी वर्क कर रही है कम से कम, ठीक है, ये तो बहुत बढ़िया बात है, खराब नहीं हुई यार, नहीं तो परेशान हो जाते। यहाँ की मार्केट काफी बड़ी है, काफी खूबसूरत भी है, और देख सकते हैं आप। बाकी इधर हॉर्स राइडिंग है, मोस्ट ऑफ पीपल हॉर्स राइडिंग के लिए जाते हैं, देख सकते हैं आप, इनसे ही आपको एक्सप्लोर करा देते हैं लोग पहलगाम। वैसे इधर ज्यादा सुंदर का बात करें तो आरू वैली है, भिताब वैली है, जिधर हम अपनी गाड़ी से ही चले जाएंगे, थोड़ा बहुत वॉक कर लेंगे। यहाँ एक प्राचीन मंदिर है भगवान शिव का, वहां जाके आ रहा हूँ मैं अभी। इतना पुराना मंदिर है, 400 AD, आप देख सकते हैं बहुत पुराना मंदिर है जो यहाँ पे है। लीजेंड से दिस इज वेयर गणेश स्टूड इज अ डोर ऑफ कीपर फॉर हर मदर, मतलब काफी फेमस मंदिर है, ऐतिहासिक मंदिर है। रिवर और इधर देख सकते हैं आप कितने ज्यादा हो खच्चर खड़े हैं जिनसे आपको घुमाया जाता है नीचे से। इधर देखो कितने टूरिस्ट आए हुए हैं, और वहां कहीं जाके भगवान भोलेनाथ का मंदिर है। इधर से थोड़ा सा आगे चल के मंदिर आ जाएगा भगवान भोलेनाथ का, तो मैं पैदल ही निकला हूँ, गाड़ी अपनी यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर खड़ी है। कुछ चीजें ना पैदल एक्सप्लोर करने का अलग मजा आता है, गाड़ी में बैठ के तो यार आप सारी ब्यूटी खो देते हो, तो इसलिए मैं चाहता था पहलगाम को पैदल थोड़ा सा घूम के अच्छे से देख पाऊँ। ये आगे के साइड में थीम पार्क है, यहाँ मतलब पार्क ही पार्क बने हुए बहुत सारे। गला बहुत खराब हो गया, चला भी नहीं जा रहा है, थोड़ा चलता हूँ तो सांस चढ़ता है, तो ये नाक में जलन सी हो रही है बहुत तेज, जुकाम बहुत तगड़ा हो गया यार। और यहाँ ये पहलगाम में एक मेडिकल स्टोर है जहाँ पे मैं आया हूँ और मेडिसिन लेके मैं आ चुका हूँ, मेडिसिन वगैरह लेके आ चुके हैं। अभी मैं जा रहा हूँ अपनी गाड़ी के पास, गाड़ी लेके जाएंगे, और गाड़ी की चाबी गिर गई थी पानी में, वो प्रॉब्लम भी हो रखी है। अभी ऊपर गाड़ी लेके जा रहा हूँ, पैदल चला नहीं जा रहा, मेरी तबीयत थोड़ी खराब हो रही है, तो ममलेश्वर महादेव मंदिर में हम जा रहे हैं जो कि प्राचीन मंदिर है, ऐतिहासिक है। वो सामने के साइड में है टेंपल जहाँ पे अपने को जाना है, ज्यादा बड़ा नहीं है लेकिन प्राचीन मंदिर है, क्योंकि पूरा इलाका मतलब यात्रा पे डिपेंडेंट रहता है इधर, इसलिए यहाँ पे डेवलपमेंट थोड़ा सा कम होता है, बट आए हैं तो मंदिर में दर्शन करेंगे।
और आपको थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ के बताता हूँ यहाँ की क्या है। यहाँ का इतिहास आप देख सकते हैं, कमलेश्वर मंदिर और यहाँ है प्राचीन शिवलिंग, आप देख पा रहे होंगे। और ये नंदी प्राचीन टाइम से ही ऐसे पत्थरों पे टिका हुआ है, बहुत प्राचीन मंदिर है। हल्का फल्का इसमें कंस्ट्रक्शन शायद बाद में भी किया गया है। ये थोड़े वाटर सोर्सेज बने हुए हैं तो यहाँ दर्शन कर लिए हैं। और ये शायद पवित्र जल है, देखो कितना क्लियर है यहाँ का वाटर। निकलते हैं आरू वैली और बेताब वैली के लिए। ये थोड़ा डैमेज कर दिया गया, ऐसे चीजों पे बोलना भी नहीं चाहिए, तो ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं। बाकी हर हर महादेव। इस जगह पे भगवान विराजमान है, ये देख के भी काफी खुशी मिली हमें, अच्छा लगा। मेरे से ढंग से बोला नहीं जा रहा है तो मैं उतना एक्साइटमेंट में ब्लॉग नहीं कर पा रहा हूँ, बट प्लीज एडजस्ट कीजिएगा, इस ब्यूटी को मेरे साथ फील कीजिएगा। यही तो चाहिए था। यहाँ से कुछ खाते हैं एंड बस। क्या मोस्ट ऑफ मैं अंडे वंडे खाता नहीं हूँ, ज्यादातर जगह अंडे और इनसे रिलेटेड चीजें मिल रही है। ये रिवर किनारे का सारा व्यू, ये पार्क बना दिया, पार्क की फीस कर दी तो आप मतलब यहाँ का एंजॉय नहीं कर सकते, पहले फीस देनी पड़ेगी आपको जो भी यहाँ का कॉस्ट रहता है, उसके बाद आप रिवर किनारे का व्यू ले सकते हैं। राजस्थान से, ये जोधपुर से हैं और ट्रैवल कर रहे हैं सोलो, और अपने भी सोलो कर रहे हैं। भाई कई जगह घूम के आए हैं, यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा लगा भाई? वैसे बहुत बढ़िया, जन्नत है, जन्नत है, जन्नत है। और ये ब्रिज है, यहाँ पे नीचे से रिवर का व्यू देखने को मिल रहा है। आगे चल के है आरू वैली और मैं आगे की तरफ जा रहा हूँ, आरू की तरफ। आरू यहाँ से 7 किलोमीटर दूर है। आरू वैली यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ पे एक छोटी सी चेक पोस्ट है, आप देख पा रहे होंगे। ये पूरा वाइल्ड लाइफ एरिया है। तो सर यहाँ कौन कौन से जानवर देखने को मिल जाते हैं? यहाँ आपको हिमालयन ब्लैक बियर है। अच्छा, ब्लैक बियर है, बियर है। और यहाँ आपको ब्राउन बियर मिलेगा, यहाँ आपको स्नो लेपर्ड मिलेगा। अच्छा, ब्राउन बियर जो बड़ा फेमस है वो यहाँ मिल जाता है? बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ आपको कॉमन लेपर्ड मिलेगा, यहाँ आपको स्पॉटेड डियर मिलेगा, और सबसे ज्यादा आपको यहाँ पे मिलेगा हांगुल, जो कश्मीर का स्टेट एनिमल okay, है। ओके ओके, यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। बट इसके लिए आपको ट्रैकिंग करनी पड़ेगी, ट्रैकिंग करनी पड़ती है। ओके ओके ओके। स्नेक में आपको यहाँ पे मिलेगा, लेमन टाइम वाइपर है यहाँ पे, और पिट हिमालय पिट वाइपर है यहाँ पे। ओके 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 ओके, यहाँ पे मिलेंगे। अच्छा ठीक है। अच्छा, आरू वैली में क्या क्या चीजें देखने को है? आरू वैली में बस फ्लोरा और फौना आपको देखने को मिलेगा। नहीं, इधर जैसे इधर कुछ लोग आके कैंपिंग वगैरह करते हैं, उसका क्या सीन रहता है? बहुत ही बढ़िया सीन। एक्चुअली कैंपिंग साइट जो है वो ज्यादा बेटर नीचे ही है, नीचे। कैंपिंग साइट, बिल्कुल। ट्रैकिंग के लिए आरू वैली बेटर रहता है। अच्छा, तो इधर जानवर भी आ जाते हैं क्या कैंपिंग? बिल्कुल, बिल्कुल आ जाते हैं। हाँ, बिल्कुल जानवर आ जाते हैं यहाँ। तो रिस्की कैंपिंग है यार, इधर लोग आके करके जाते हैं। एक्चुअली मसला ये है कि कोई भी जानवर खामखा किसी को सताता नहीं है, ठीक है, नुकसान नहीं पहुंचाता जब तक कि लोग इस पे अटैक करें, पत्थर फेंके, ठीक है, वो अपनी डिफेंस के लिए। हाँ, वो डिफेंस के लिए, बिल्कुल, बाकी कुछ नहीं होता है। पहले मैंने भी प्लान किया था यहाँ पे कैंपिंग करने का, लेकिन कर सकते हो क्या तुम यहाँ पे? आप कर सकते हो, वाइल्ड लाइफ एरिया है और कश्मीर की सबसे बड़ी सेंचुरी है ओवेरा आरू। ओके, इस सेंचुरी का नाम है कश्मीर की सबसे बड़ी सेंचुरी है ये। okay, सबसे okay. बड़ी सेंचुरी है। तो अनंतनाग में सबसे बड़ी सेंचुरी कश्मीर में यही है, ठीक और है। दूसरा जो सबसे बड़ी सेंचुरी है साउथ कश्मीर की वो हिरपुरा है। okay. हिरपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, ये शायद 550 स्क्वायर किलोमीटर पर ये सेंचुरी है। ओके ओके, आरू से स्टार्ट होता है, ओवेरा से स्टार्ट होता है, आरू पे खत्म होती है। ओके, यहाँ एक बेताब वैली भी है, वो किधर पड़ती है? बेताब वैली उस साइड से आपको पड़ेगा जहाँ पे चंद्रवाड़ी रोड। ओके 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 ओके, वो अपोजिट पड़ता है यहाँ से, हैं? वो उसका अपोजिट है, वो उसका, ठीक है ठीक है। अच्छा, तो ये ऊपर से झरने वगैरह वाटर सोर्सेज आते रहते हैं? कश्मीर में तो इतना ही आपको देखने के। नहीं नहीं, बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है, हम तो बड़े खुश हुए यहाँ के, सीरियसली। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है सईद इरशाद हुसैन, मैं यहाँ ब्लॉक ऑफिसर हूँ, ब्लॉक फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ। ओके 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 सर, ओके। यहाँ पे हम एंट्री टूरिस्ट की एंट्री करते हैं, 25 रुपीज पर हेड। ओके ओके ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर इंडियन सिटीजन होगा तो 25, अगर फॉरेन सिटीजन होगा तो 50, अगर कैमरा वगैरह साथ होगा तो 2000 रुपये पर डे। हम तो शूट नहीं करने वाले। बिल्कुल बिल्कुल, 2000 रुपये
ओके ओके ओके। यहाँ पे बजरंगी भाईजान की भी शूटिंग भी हुई है। अच्छा अच्छा, इधर क्या? पिछले महीने में यहाँ पे एक शूटिंग हुई थी तानो सीजन 2 के बिरबेदी की। ओके ओके ओके। फिल्म जो बेताब है उसकी शूटिंग बेताब वैली में हुई थी, तो इसलिए उसका नाम बेताब वैली रखा है। ठीक है ठीक है ठीक। अभी अपने को बताएंगे यहाँ के पेड़ों के बारे में। ये वाला किस चीज का है? ये फर है। फर है, हाँ, ये फर है। अच्छा, तो इसका जो बॉटिकल नाम है वो किशोर सिंथाना है। ओके। और ये है कायरू। ये वाला, हाँ, क्या नाम है इसका? कायरू, इसको बोलते कायरू। उर्दू में बोलते हैं कायरू। कायरू और इंग्लिश में बोलते हैं हम इसको कायर। अच्छा, वल्सियाना। एवरीबॉडी, ये देखो ऊपर से वाटर सोर्सेज आ रहा है इधर से। ये देखो कितना सही वाटर सोर्सेज आ रहा है। ये छोटा सा ब्रिज है इधर, और ब्रिज को क्रॉस कर रहे हैं हम अभी। ऊपर से कई जगहों से पानी के सोर्सेज आ रहे हैं, और बहुत ही बढ़िया नज़ारा है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। और मैं फाइनली पहुंच गया हूँ आरू वैली में। तो अपने पहुंच गए आरू वैली में। इधर रुकने के भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, और इधर से ना आपको रात में मिल्की वे भी देखने को मिल जाता है। ये मेरे को लोकल ने बताया। लुक एट द ब्यूटी ऑफ आरू वैली। यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं है, आप बस थोड़ा फोटोग्राफी कर सकते हो, ये राइड वाइड ले सकते हो, और बस थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ भी जा सकते हो, यही है। लेकिन रास्ते बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, जगह से डेस्टिनेशन से रास्ते बहुत ज़्यादा सुंदर थे इसके। तो अपने आरू में पहुंच गए, और यहाँ आके मैंने सबसे पहले तो मेडिसिन ली है। आरुवेली पड़ता है यहाँ से, ऐसे करके ट्रैक करके इसके जस्ट उस साइड जाओगे तो आरुवेली है, और पैदल ट्रैक करते हो तो करीब 2 घंटा लग जाता है। और मैं आज इस हालत में, मुझसे तो 100 मीटर भी नहीं चला जा रहा है। घोड़े पे मैं यार कोई एनिमल को तंग नहीं करना चाहता। आगे चल पाना टफ लग रहा है मुझे, मेरे लिए मेरा गला बैठ गया, बिल्कुल सूख गया है, बहुत पेन हो रहा है यार, आज तबीयत डाउन हो रही है। आई डोंट वॉन्ट कि कोई बड़ी रिस्क हो जाए अकेले में, तो यहीं बैठ जाते हैं। यहीं बैठ के थोड़ा सा नेचर का फील लेते हैं। यहाँ से पीछे से वाटर सोर्सेज आ रहा है, और इस वाले पूरी वैली को क्रॉस करने के बाद आरू वैली आती है, तो उसका 1200 रुपीज कॉस्ट है फॉर हॉर्स। एंड आई डोंट वांट कि मैं कोई एनिमल को बॉदर करूँ, एनिमल के ऊपर बैठ के जाऊँ, नहीं, मेरे से ये नहीं होता है। अगर तबीयत सही होता तो चल के जाता, 1.5 घंटे का ट्रैक है बस, लेकिन अभी नहीं हो रहा है तो यहीं बैठ के थोड़ा सा वापस चलेंगे आगे। तो एक ब्रेड पकौड़ा लिया है, प्याज पकौड़ा भी ऑप्शन में था लेकिन मैंने ब्रेड ले लिया। और उन लोगों जो मेरे को रास्ते मिले थे, उन लोगों के लिए 4 पकौड़े पैक करवाए हैं, 4 ब्रेड पकौड़ा। साइड में आप देख सकते हो पहलगाम से जस्ट क्रॉस करके आए हैं हम, अभी जा रहे हैं बेताब वैली। ये देखो अपनी गाड़ी खड़ी है इस खूबसूरत नज़ारों के साथ में, ऊपर स्नो माउंटेन है। बेताब वैली का नाम बेताब इसलिए पड़ा बिकॉज यहाँ पे बेताब मूवी की शूटिंग हुई थी, तब से इसको बेताब वैली बोला जाता है। यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है अभी, वहाँ जा रहा हूँ। होपफुली आपको वीडियो में मजा आएगा, मेरे एफर्ट देखना। इतनी ख़राब तबीयत में दवाई ले लेके भी आपको इतनी अच्छी चीज़ें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। प्लीज़ मैं उतरा हूँ रिवर के अंदर, यहाँ बेताब वैली के पास में बहुत ही बढ़िया व्यू है रिवर का, आप देख पा रहे होंगे, बहुत ही शानदार नजारा है। शाम होने को है तो ज्यादा देर अपने इधर एक्सप्लोर नहीं करेंगे, थोड़ा सा घूम के निकलेंगे। तब वैली का एंट्री गेट, और यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं 100 रुपीज फॉर एडल्ट्स। ओके, तब वैली मतलब यहाँ से आपको हर जगह से हॉर्स राइडिंग मिलेगी, यहाँ कुछ भी नहीं है, ये जस्ट थोड़ा वो टूरिस्ट प्लेस बनाया जाता है। बाकी ऐसे लोग होते हैं जो आपको लेके जाएंगे ऊपर की तरफ, और पॉइंट भी बनाया गया है रिवर का। I'm still kicking around here in Tennessee. I heard you got a new place. I heard you got a new job. I heard you got a haircut and it looks real nice. Oh, yeah. अब
अभी हूँ मैं ऐसे पेड़ों के जस्ट नीचे बेताब वैली के अंदर। ये वैली काफी खूबसूरत है, लोकल्स लोग आपको घोड़ों पे लेके जाते हैं, वो आपसे चीजें बहुत एक्स्ट्रा कॉस्ट करेंगे और लेके जाएंगे आपको, लेकिन नज़ारे सारे आ जाएंगे, बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल व्यू देखने को मिलेंगे। तो वो सारी चीजें आपको हॉर्स राइड लेके ही होगी। और ये देखो यहाँ पे चल रहा है क्रिकेट इनके बीच में। कितना भीड़ है बोर्ड के पास में बेताब वैली के, एंड नजारे देखो आप, अमेजिंग प्लेस। तो लोग यहाँ पे बहुत फोटोग्राफी कर रहे हैं, और एंड इधर इतना भीड़ है। सेम रास्ता है यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर के आसपास है श्रीनगर, तो आज जाना नहीं होगा। तो या तो ये काम करते हैं, जहाँ मैं कल रुका था उसी जगह सेम रुक जाते हैं और रेस्ट लेते हैं। वन से गुजराती ऑलवेज गुजराती लुक एट, ये देखो इन्होंने तो अपना वो देखो ताम जाम पूरा बिखेर लिया है। यहाँ जलेबी फाफड़ा वगैरह सब चीजें साथ कैरी करके आए हैं लोग, बढ़िया से एंजॉय करेंगे अब यहाँ बैठ के ना पिकनिक। से मैं देख रहा था कोई गर्म पजामा टाइप कुछ मिल जाए, तो इधर दो तीन स्टोर थी पीछे, ये कहते नीचे जाओ नीचे आपको बहुत ऑप्शन मिलेंगे, तो नीचे चल के देखते हैं। बाकी यार जगह बड़ी गजब है यार। एक बार फिर से पहलगाम आया हूँ जस्ट कुछ कपड़े लेने हैं मेरे को गर्म, एंड यहाँ की वाइब देखो कितनी शानदार है। तो यहाँ तो भाई रेट बहुत ही एक्स्ट्रा है, नॉर्मली कुछ पजामा पूछने गया था नॉन ब्रांड 1800 रुपये। ओ भाई थोड़ा देखते हैं नीचे चल के कहीं से ऑप्शन लेंगे, और इधर थोड़े क्या है कि आगे के प्लान पता नहीं है, अगर अपना लद्दाख निकलने का होगा तो भी पता नहीं है, अभी कुछ पता नहीं है, पहले तबीयत ठीक करेंगे उसके बाद आगे के प्लान करेंगे, नहीं तो कल अनंतनाग से शॉपिंग करते हैं। देयर आर सो मेनी ऑप्शंस, एंड ये देखो इस लुक लाइक जो हमारा भटूरा रहता है वैसा है, इसको ये लोग पराठा बोलते हैं, एंड ये गाजर का हलवा ये भी मैं ले रहा हूँ, एंड ये अपना सूजी का हलवा, ये मटर के पकौड़े, वो प्याज पकौड़े, आलू के, पता नहीं कितने आइटम है यार इधर, समझ से बाहर हो रहा है। लेकिन अभी अपने एक तो ये लिया है प्याज के पकौड़े एंड एक गाजर का हलवा। ये एक छोटी सी मार्केट आई अपनी गाड़ी घड़ी, ऑलमोस्ट एक एक करके सारी चीजें चेक करवा दी है, लेकिन जितना टेस्ट कर रहा हूँ उतना मैं पैक भी करवा रहा हूँ, मजा आ रहा है भाई। जगह क्या नाम है? हाँ चलो जो भाई ने बोला वो है। अच्छा इधर से श्रीनगर का रास्ता कौन सा है? सीधा मैं हूँ अभी 20 किलोमीटर पहले जहाँ हमारा कल स्टे था, यहाँ से बहुत सारी चीजें मैंने बाय कर ली है, मजा आ गया यार, बड़ा टेस्टी है यहाँ का सामान, लोग भी बहुत अच्छे हैं, बढ़िया से खाते पीते जा रहे हैं। जिसको बोलता हूँ अकेले आए हो आप अकेले आए हो, अकेले आए हो, ये बड़ा सस्पेंस हो रहा है, अकेले अकेले का क्या सेंस है यहाँ पे, वो समझ नहीं आ रहा, शायद वो देख के ऐसे सरप्राइज हो रहे हैं कि भाई अकेला बंदा इतनी दूर कर रहा है, वो भी अकेले, थोड़ा वो भी कश्मीर, तो लोगों के एक अलग मेंटेलिटी बना रखी है, लोग यहाँ के बहुत ही स्वीट है, मजा आता है। तो आज फिर से वो स्टे लेते हैं जो कल लिया था। Ugly.